हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी? एकदम झकास होंगे आई होप। तो बात करते हैं जो हमने दो लेक्चर कवर कर लिए थे। दोनों लेक्चर में पहले में फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक पढ़ा था और सेकेंड लेक्चर में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो अब ये लेक्चर नंबर थर्ड है। थर्ड लेक्चर नंबर जाएगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में। जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें आपको बताया जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को पढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इंजीनियरिंग विद बीटू को। ओके, बात करते हैं यहाँ पर जितना भी सिलेबस कवर किया जाएगा डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली ये सिलेबस उनमें ध्यान रखते हुए उनके लिए कवर किया जाएगा। और ये लेक्चर जो रहेंगे हिंदी इंग्लिश में सब चलेंगे। आपको यहाँ पर जो भी समझाया जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे ए टू जेड डिलीवर किए जाएंगे। और बात रहती है जो बच्चे तैयारी करेंगे IOCL HPCL की या अप्रेंटिस के लिए, तो वहाँ पर इतना मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता चलूँगा कि आपको कोई अदर बुक ना पढ़नी पड़े। ऑब्जेक्टिव टाइप की आपको जब कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है तो वहाँ पर बुक पढ़नी पड़ती है। हालांकि मैं यहीं पर छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताते चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर लीजिए दोस्तों सब्सक्राइब। और ओके, स्टार्ट करते हैं इसी मुस्कान के साथ। तो आप अब बात करते हैं, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर चलने से पहले हम बात करते हैं पिछले लेक्चर में क्या की थी। जिन लोगों ने अभी पीछे वाले दो लेक्चर नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट पर आपको दोनों लेक्चर मिल जाएंगे, उन पर देख लीजिए या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी पढ़ लिया था। विस्कोसिटी की दो टाइप्स मैंने बताए थे। एक विस्कोसिटी होती है आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी, पहली एक आपका होगी डायनेमिक विस्कोसिटी को नोट करते हैं म्यू से, ग्रीक एक वर्ड होता है उसे म्यू से डिनोट किया जाता है। और एक सेकेंड आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को नोट किया जाता है न्यू से। ओके, तो इतनी तो बात हो चुकी थी। अब इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ेंगे, देन इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इसमें अंतर क्या होता है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी देख लीजिए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी, जब आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे उसी फ्लूइड की, तो आपकी क्या आ जाएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, तो अभी लिखना नहीं है, लिखेंगे आगे जब मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बताऊंगा, देन यहां पर आएंगे। पहले मैंने इतना सिर्फ आपको दिखा दिया कि पिछले लेक्चर में इतनी बात हो चुकी थी। अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हेडिंग डालिए, प्यारी सी हेडिंग डालिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी तो इसे लगाइए 5 स्टार, क्योंकि जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम है वहां पर हर दूसरे साल में आपको देखने को मिलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, और आपको यहां से क्वेश्चंस भी आपके कंपिटेटिव एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, यहां पे देखने क्या फंडा होता है, जो शियर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, शियर स्ट्रेस जो किसी फ्लूइड लेयर पे अप्लाई किया जाता है तो वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल में होता है। तो पहले यही देखने को मिलेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिखिए डिफिनेशन लिखिए, इट स्टेट्स डेट the shear stress tau is applied on fluid layer is directly proportional
प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल होते हैं, एक ही बात होती है वहां पे। ओके चलिए मैथमेटिकली लिखते हैं, जो हमने बोला उसे मैथमेटिकली लिखिए, मैथमेटिकली लिख लीजिए, मैथमेटिकली लिख लीजिए क्या होगा। टाऊ टाऊ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट du/du/dy, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है उसे हटाने के लिए यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होगा, एक टर्म इंट्रोड्यूस होगा, देखिए du इज इक्वल टू म्यू du/dy। ओके तो ये जो आया हुआ है इसे मुस्कुराते हुए भाई साहब इसे ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है, क्योंकि इस पे बहुत सारी बातें होंगी आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आएंगी बातें इससे रिलेटेड, और आपकी ये डी बनी है। ओके ध्यान दीजिएगा, तो इसे मुस्कुराते हुए बंद कर लेना है भाई साहब, और इसे लगाना है डबल स्टार, थ्री स्टार लगाइए, थ्री स्टार लगा लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे आगे। तो देखिए अब बात करते हैं ये है क्या, अब जो म्यू है, म्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या होगा आपका वेलोसिटी, आपका क्या होगा इसे, ओके मैं इरेज करके नेक्स्ट लिख रहा हूँ, आप इसे डिनोट कर लीजिए। ओके नोट कर लीजिएगा, पॉज करके भी नोट कर लीजिएगा अगर नहीं नोट कर पाया। अब बात करेंगे ये जो हमने म्यू की बात हुई है, अब ये टाऊ यहाँ पे कहा था वो तो आपको पता है शियर स्ट्रेस। ओके अब बात हो रही है आपका du/dy क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके अब बात करते हैं आपका म्यू क्या है, यहाँ पे म्यू क्या है, कोफिशियंट, विस्कोसिटी कोफिशियंट बोलेंगे या विस्कोसिटी कोफिशियंट, कोफिशियंट और डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। ओके डायनामिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ओके इतनी तो बात हो गई, अब यूनिट की अगर मैं वहां पे बात कर देता, यूनिट तो आपको सिंपली वहां पे विस्कोसिटी की बता देता, लेकिन वहां से ये नहीं बात हो पाती क्लियर कि कैसे आएगी यूनिट, कहां से आएगी। अब देखिए यूनिट कहां से लानी है, ये जो फार्मूला लिखा था, अब यूनिट लिखा लिया विस्कोसिटी की, अब यहां पर बात करते हैं विस्कोसिटी की। ओके यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कहां से आएगी, देखिए यहां पे जो टाऊ इज इक्वल टू म्यू du/dy जो लिखा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू टाऊ, और आपका ये क्या हो जाएगा, ये साइड में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ओके d/du हो जाएगा। अब यूनिट निकालिए टाऊ क्या होगा, टाऊ आपका अप्लाइंग फोर्स होगा, प्रेशर फोर्स होगा, जो प्रेशर फोर्स होता है आपका, प्रेशर होता क्या, फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया, बात यही है यहाँ पे, टाऊ भी आपका क्या है एज अ फोर्स, आपका क्या है प्रेशर फोर्स है। ओके तो लिखिए यूनिट लिखिए टाऊ बराबर यूनिट फोर्स न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर इनटू वेलोसिटी क्या होती है, ये क्या है बाई क्या है, ग्रेडियंट है, लेंथ में चेंज हो रहा है, तो इसका क्या होगा मीटर अपान वेलोसिटी क्या होता मीटर पर सेकेंड, मीटर और जो इसके नीचे सेकेंड आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो इस सेकेंड से इस सेकेंड कैंसल, तो क्या हुआ मीटर। ओके न्यूटन 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 इंटू सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर। ओके तो यूनिट क्या आई आपकी इसकी, देखिए लिख लीजिए प्यारा सा रिलेशन, देखिए क्या आया यहां से, हमने जो रिलेशन लिखा हुआ था रिलेशन से हमने यूनिट इसकी निकाल ली, तो इसकी यूनिट क्या आई, यूनिट क्या आई प्यार से देखिए भाई साहब, यूनिट क्या आ गई, यूनिट क्या आ गई, तो यूनिट को लिख लीजिए
अब बात करते हैं ये है कौन सी यूनिट। जो यूनिट निकल के आई आपकी, यूनिट क्या निकल के आई देखिए, यूनिट जो निकल के आई आपकी न्यूटन इंटू सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। ओके एसआई यूनिट। एमकेएस जब लिखेंगे एमकेएस में हो जाएगा केजीएफ अपान सेकेंड मीटर स्क्वायर। ओके यूनिट एमकेएस में एमकेएस। अब एक बात और कर लेते हैं, एक इसकी यूनिट और होती है पॉइज, पॉइज। ओके तो पॉइज यूनिट होती है, पॉइज के एक यूनिट पॉइज भी होती है। तो ये सभी यूनिट लिख लेनी है। और एक्चुअली पूछा क्या जाता है, कभी कभी बोल दिया जाता है द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक डायनेमिक विस्कोसिटी, और डायनेमिक विस्कोसिटी ये ना देकर वहाँ पे दे देंगे पॉइज। बताइए होगा मीटर इंटू सेकेंड अपान आपका होगा मीटर आपका न्यूटन इंटू सेकेंड अपान हो जाएगा मीटर। और कहीं पर मतलब कुछ ऐसे ऑप्शन बना देंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और पॉइज अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो वहाँ पे पॉइज भी दिया होगा तो क्या हो जाएगा तो पॉइज। तो कौन कौन से हमने यूनिट बनाई, अब देखिए वन वन न्यूटन इंटू सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेन पॉइज आपका होता है। ये देख लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछेगा, पूछा जाएगा, पूछा जाता है कई जगह। और आपको न्यूमेरिकल करते हैं वहां पर प्यार से मुस्कुराते हुए इसे ब्रैकेट में बंद कर लेना है। ये भी रिलेशन काम में आएगा जब न्यूमेरिकल करेंगे, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। ओके अब हमारी बात हो गई डायनेमिक काइनामेटिक विस्कोसिटी की, बात करेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में। जितना कुछ था मैंने आपको बता दिया, जो आपकी यूनिट थी और कहाँ से इसकी यूनिट निकलती है, किस तरीके से रिलेशन होता है आपका, ठीक है, शियर स्ट्रेस से। अब बात करेंगे काइनामेटिक विस्कोसिटी की, तो हेडिंग डालिए काइनामेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनामेटिक विस्कोसिटी डिनोट करते हैं न्यू से। अब लिख लीजिए इट इज द रेशियो ऑफ, डेफिनेशन लिख लीजिए, पूछी जाती है कई जगह भी ऐसे पूछ दिया जाएगा बात इज द डिफरेंस बिटवीन द काइनामेटिक विस्कोसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी, ऐसे भी पूछ दिया जाता है। तो लिखिए इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी विस्कोसिटी टू डेंसिटी डेंसिटी। ओके डेंसिटी तो लिखिए मैथमेटिकली लिख लीजिए काइनामेटिक विस्कोसिटी न्यू से डिनोट करेंगे, न्यू इज इक्वल टू आपका क्या रेशियो किसका और डायनामिक विस्कोसिटी म्यू अपान रो। इसे प्यार से मुस्कुराते हुए भैया, भाई साहब प्यार से मुस्कुराते हुए इसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ये भी रिलेशन बहुत जगह यूज होगा इन न्यूमेरिकल्स में। ओके स्टार डाल दीजिए, स्टार डबल स्टार लगाइए इसे। अब बात करते हैं यूनिट की, यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट की बात कर लीजिए, यूनिट की बात कर लीजिए, बात करते हैं यूनिट की। ओके तो न्यू की यूनिट क्या होगी, ध्यान दीजिए यूनिट क्या होगी, यूनिट देखिए इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन, बात कर लेते हैं, देखिए इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ओके अब बात करते हैं डायनामिक, ये जो सॉरी थोड़ा लिख लीजिए म्यू की न्यूटन इंटू सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होगी, केजी पर क्यूबिक मीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर। ओके अब बात कर लिए, देखिए इधर आ जाइए, अब क्या होता है आपका, आपका जो न्यूटन होता है, आपका जो न्यूटन होता है ध्यान दीजिए, न्यूटन क्या न्यूटन होगा, न्यूटन देखिए न्यूटन कैसे होगा, एफ बराबर एम में होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ओके ध्यान दीजिए छोटी सी बात को, और ये होता है केजी, ये केजी होता है। ओके और ये क्या होता है, मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर, मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। ओके तो न्यूटन इतना आपका रहेगा, न्यूटन इतना, ठीक है, न्यूटन आपका क्या होता है, ध्यान दीजिए वहाँ से, तो यहाँ पर रिलेशन रखेंगे तो आपका निकल के क्या आएगा, निकल के आएगा लिख लीजिए केजी इंटू मीटर। ओके अपान सेकेंड स्क्वायर, इतना तो न्यूटन के बारे में बात हो गई, इनटू आपका रहेगा, देखिए इनटू यहाँ पर रहेगा, इतना पूरा इनटू में रहेगा। ओके
और ये भी आपका इनटू में रहेगा क्या है, सेकंड सेकंड। ओके अब बात कर लेते हैं केजी अपान क्यूबिक मीटर, केजी से केजी चला जाएगा, इस सेकंड से एक सेकंड चला जाएगा, और ध्यान दीजिए यहाँ पर मीटर क्या है, ये मीटर ऊपर आ जाएगा, तो मीटर स्क्वायर अपान सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर अपान सेकंड, मीटर स्क्वायर अपान सेकंड। तो यूनिट जो निकल के आई भाई साहब, यूनिट जो निकल के आई मीटर स्क्वायर अपान सेकंड निकल के आई। ओके एम के एस है, एम के एस। सी जी एस में क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेकंड। ओके ये सी जी एस। एक यूनिट और इसकी होती है, एक यूनिट और होती है स्टॉक। ओके लिख लीजिए तीनों यूनिट, तीनों यूनिट लिख लीजिए, स्टॉक होती है मीटर से सेंटीमीटर अपान मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेकंड, मीटर स्क्वायर अपान सेकंड। ओके तीनों यूनिट लिख लीजिए, यूनिट्स लिख लीजिए। अब बात करते हैं, देखिए बात क्या होनी है, अब होता क्या है, एक रिलेशन और इसमें लिख लीजिएगा क्या होता है। देखिए वन स्टॉक इज इक्वल टू टेन टू पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर अपन सेकंड। ओके तो इसे आप क्या कीजिए, ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये भी रिलेशन कई जगह पूछा जाएगा, हो सकता है न्यूमेरिकल में पूछ दिया जाए या ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ दिया जाता है, पूछा भी जाता है कई जगह, पूछा भी गया है वन स्टॉक इज इक्वल टू कितना, कितने आपका मीटर पान सेकंड स्क्वायर क्या होता है। अब चलिए हमने विस्कोसिटी के बारे में बात कर लिया, कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं विस्कोसिटी के बारे में, क्या पढ़ना है विस्कोसिटी के बारे में, कुछ फैक्ट पढ़ना है, क्या इफेक्ट होता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। देखिए मेरी बात को ध्यान दीजिए, मेरी बात को ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं, बात को ध्यान दीजिए भाई साहब, ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास फ्लूइड है, मेरे पास ये लिक्विड है, ओके ये कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, ये एक मेरे पास हैवी कंटेनर है, ओके कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है भाई साहब, लिक्विड भरा हुआ है, ओके ध्यान दीजिए बात को, वो अच्छी तरीके से समझना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसे हीट कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, यहाँ से हीट दे रहा हूँ, और टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ओके टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो बताइए अब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और स्पॉट में क्या है आपका, लिक्विड है फ्लूइड नहीं है, लिक्विड है, मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ, फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड में आपकी गैस और लिक्विड दोनों आती है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लिक्विड की, ओके जो है वाटर है या लिक्विड है, कोई भी लिक्विड लिख लीजिए, लिक्विड है ये, ओके एल लिक्विड। तो बताइए विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए विस्कोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ऑब्वियसली आपकी यहाँ पे जो विस्कोसिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। जब भी आपको टेम्परेचर अगर कहीं पे लिखा हुआ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तो वहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी या नन ऑफ दीज, तो क्या होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं लिक्विड का, तो आपका क्या आपकी विस्कोसिटी होगी डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब डिक्रीज क्यों करेगी, बात इस पर कर लेते हैं। जब मैंने पहले आपको बात बताई थी वेलोसिटी का जो फंडा आता है, विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट किसके कारण आता है, या तो वहां पे आपका क्या होगा आपका कोहेसिव फोर्स के कारण, ओके कोहेसिव फोर्स, और आपका क्या रहेगा मोमेंटम एंड मॉलिकुलर मोमेंटम, पहला सॉरी सही तरीके से लिखते हैं, थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए विस्कोसिटी कम्स ड्यू टू, और ओके बाद में बात करते हैं, थोड़ी और बात कर लेते हैं, ओके थोड़ी याद आ गई, अब बात करता हूँ एक कोई सिलेंडर है, ओके सिलेंडर है ओके इसमें गैस भरी हुई है, ध्यान दीजिए इसमें गैस भरी हुई है, ओके अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से हीट कर रहा हूँ, या इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देखिए टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, तब बताइए विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब वहाँ पे गैस होगी और गैस को हीट किया जाएगा, गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा, तब विस्कोसिटी क्या करेगी, क्या डिक्रीज करेगी, बताइए डिक्रीज होगी,
नहीं, डिक्रीज नहीं होगी। गैस के केस में जस्ट अपोजिट होता है लिक्विड के, लिक्विड के जस्ट अपोजिट होता है। अगर लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, ओके, और गैस के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगी, ओके। अब क्यों इंक्रीज करेगी, किस लिए इंक्रीज करेगी, बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। लिक्विड के केस में पहले लिखिए, इन लिक्विड केस पहले हेडिंग डालिए, प्यारी सी हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्यारी सी हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ओके। अब एक लाइन लिख लीजिए फिर बात करते हैं, ओके। नहीं, अब यहाँ पे लिखिए, अब क्या होगा, वेलोसिटी कम आएगी। देखिए, विस्कोसिटी कम्स ड्यू टू विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कम्स ड्यू टू, कम्स ड्यू टू किसके कारण आती है प्रोफाइल में, पहला कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, सेकंड मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मोमेंटम, मॉलिक्यूलर मोमेंटम के कारण, ओके, मॉलिक्यूलर मोमेंटम के कारण। तो क्या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर। अब यहाँ पे जो लिक्विड के केस में होगा, लिक्विड के केस में ज़्यादा डिपेंड करेगा कोहेसिव फोर्स पे, ज़्यादा डिपेंड करेगा कोहेसिव फोर्स पे, मेजर यहाँ पे रहेगा, मेजरली डिपेंड करेगा, मेजर रहेगा इसमें, इसमें माइनर रहेगा, ओके, यहाँ पे माइनरली डिपेंड करेगा। तो क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आप, भैन टेम्परेचर भी इंक्रीजिंग, देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ लिक्विड, ध्यान दीजिए, कोहेसिव फोर्स ऑफ लिक्विड डोमिनेट करेगा, जो आप पर रिस्पॉन्सिबल होगा, तो कोहेसिव फोर्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। कोहेसिव फोर्स जब डिक्रीज कर जाएगा, देन इसके रीजन के कारण विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ओके। लिखिए रीजन, रीजन में लिख लीजिए, व्हेन वी इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लिखिए लिखिए, व्हेन वी इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, देन कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स ऑफ लिक्विड डिक्रीज, सो डिक्रीज, सो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी आल्सो डिक्रीज। कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होगा तो वहां पे क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब एक रिलेशन लिख लीजिए, प्यारा सा रिलेशन, कहीं पर पूछ भी दिया जाएगा, लिखिए, विस्कोसिटी एट टेम्परेचर टी, एट जीरो टेम्परेचर, वन अपान वन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। इस रिलेशन को प्यार से मुस्कुराते हुए, भाई साहब प्यार से मुस्कुराते हुए ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, काम आएगा अगर कहीं पे पूछ दिया भाई कैसे इंक्रीज करती है। ये तो आपने प्रैक्टिकली बता दिया भाई साहब, वहाँ पर म्यू की एक वैल्यू दे रखी होगी, अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी होगी, किसी लिक्विड के लिए, हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग होती है, तो वहाँ पर बता दिया जाएगा और टेम्परेचर आप कैलकुलेट करके दिखा देंगे। और क्यों इंक्रीज कर रही है, क्यों डिक्रीज कर रही है, आप ऐसे बोल के बता सकते हैं, इसलिए डिक्रीज कर रही है, ओके। तो आप ऐसे बोल के बता सकते हैं क्यों डिक्रीज कर रही है। अब तो बात हो गई, ये स्क्वायर लिखा हुआ है भाई साहब, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ओके, बात हो गई। अब क्या होगा, म्यू टी क्या होगा, म्यू टी विस्कोसिटी एट टेम्परेचर टी, विस्कोसिटी एट टेम्परेचर जीरो, ओके, लिखा दूं, चलिए यहां पर लिख देता हूं, म्यू टी, समझ जाइएगा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, विस्कोसिटी एट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर टी,
म्यू विस्कोसिटी एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू जीरो टेम्परेचर पे। ओके अब ये क्या है अल्फा बीटा अल्फा एंड बीटा बोथ आर कांस्टेंट कांस्टेंट हैं। ये हर लिक्विड के लिए अलग अलग होंगे, अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो अल्फा और बीटा की वैल्यू वहां पर दी होगी। ओके लिख लीजिए इतनी बात लिख लीजिए। अब बात करते हैं गैस के लिए, गैस में इंक्रीज क्यों कर जाती है। ओके गैस में इंक्रीज क्यों कर जाती है, बल्कि ये दोनों फ्लूइड ही हैं लेकिन लिक्विड में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाती है, लेकिन गैस में क्यों इंक्रीज कर जाती है। भाई बड़ा कन्फ्यूजन है, बड़ा कन्फ्यूजन है। और ऑब्वियसली कहीं पर हर जगह कहीं कहीं पर इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैस, तो आप कहते हैं कि इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, समझेंगे इंक्रीज और डिक्रीज करती है। आपको भी ऐसा लगेगा कि हमने अगर शहद लिया, शहद को क्या हुआ उसको गर्म किया तो उसके क्या हुआ उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज करके, वाटर को हमने हीट किया तो वाटर की क्या हुई विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगा जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या वहाँ पर होता क्या है कोहेसिव फोर्स आपका क्या होता है, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज कर जाता है, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज कर जाता तभी आपका विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाता है। वहाँ पे मोमेंटम मॉलिकुलर मोमेंटम का कोई ज़्यादा रोल लेता नहीं है। अब गैस के केस में मॉलिकुलर मोमेंटम का ज़्यादा रोल लेता है लेकिन कोहेसिव फोर्स का कम रोल लेता है। ओके चलिए चलिए बात करते हैं, बात कर लेते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे गैस बट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस गैसेस। ओके अब देखिए क्या होगा आपकी गैस के केस में, गैस के केस में विस्कोसिटी कम्स ड्यू टू, लिखिए विस्कोसिटी विस्कोसिटी कम्स ड्यू टू आपका मेजरली किस पर डिपेंड करती है मॉलिकुलर मोमेंटम, मॉलिकुलर मोमेंट, मॉलिकुलर मोमेंट पे। ओके मेजर आपका डिपेंड करेगा और कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स बहुत ही लेस पाया जाता है इसमें तो कोहेसिव फोर्स पे इतना डिपेंड करेगी नहीं, कोहेसिव फोर्स पे इतना डिपेंड करेगी नहीं। अब बात करते हैं देखिए यहाँ पर मेजरली डिपेंड करती है आपकी, ये इस पर लिख लिया मेजरली, मेजर आपका मेजरली डिपेंड करती है इसमें इतना डिपेंड नहीं करती है। ओके तो अब करेंगे टेम्परेचर को इंक्रीज, अब जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे डोमिनेट किस पे कर रही है आपकी मॉलिकुलर मोमेंटम पे। जब आप ये बताइए ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ओके ध्यान दीजिए मेरी बात पे, ये सिलेंडर गैस से भरा हुआ है, ओके इसमें गैस है, गैस है। अब टेम्परेचर आप इंक्रीज कीजिए तो क्या होगा, टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो रेंडमनेस इंक्रीज होगी, रेंडमनेस इंक्रीज होगी तो भैया क्या होंगे ये मॉलिक्यूल्स होंगे, भाई रेंडमनेस ये इनसे टकराए, ये इनसे टकराए, ये इनसे टकराए, जो टकराव है मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन आपस में वो इंक्रीज कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, इसी रीजन के कारण आपका क्या होगा विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। आ गया समझ में, बहुत सही बहुत सही, ऐसा ही देखिए सिंपल सी बात है भैया हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया वहां पर रेंडमनेस मॉलिक्यूल्स में इंक्रीज हुआ और रेंडमनेस इंक्रीज होने के कारण कोलिजन जो हुआ इंक्रीज हुआ जिसके कारण आपका मॉलिक्यूलर मोमेंटम इंक्रीज हुआ, मॉलिक्यूलर मोमेंटम इंक्रीज हुआ इसीलिए गैस की विस्कोसिटी इंक्रीज हुई। ओके सिंपल सा पंडा, बहुत मजा आने वाला है क्लासेस में, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं, लिख लीजिए लिख लीजिए, अब देख लीजिए लिखिए वैन वी इंक्रीजिंग टेम्परेचर देन मॉलिकुलर मॉलिकुलर मूमेंट इंक्रीज 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 सो विस्को City of gases also increases, increases, okay? इसीलिए इंक्रीज करेगी। अब एक प्यारा सा रिलेशन लिख लीजिए, जो आपका प्यारा सा रिलेशन है वो भाई प्रैक्टिकल के लिए द्वारा लाया गया, आपका क्या होगा म्यू टी इज इक्वल टू
म्यू नॉट ब्रैकेट वन प्लस अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। और इस रिलेशन को मुस्कुराते हुए आपको क्या करना है, ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है। अगर कोई बोले हमें प्रैक्टिकली बताइए तो बोलिएगा हमें अल्फा और बीटा बता दीजिए, पहले जीरो टेम्परेचर पर हमें उसकी विस्कोसिटी बता दीजिए, देन हम आपको बता दे देंगे, देखिए कैसे इंक्रीज कर जाती है। ओके, अगर बोले क्यों इंक्रीज करती है तो जो है मैंने रामायण लिखाई है ये बोल के बता दीजिए, इस कारण इंक्रीज कर जाती है। ओके, तो बात तो हो गई। अब यहाँ पर भाई लिख लीजिएगा, बात दोनों है और आपके अल्फा बोथ आर कांस्टेंट होंगे, फॉर द हर गैस के लिए अलग अलग होंगे और आपका टेम्परेचर आपको बता दिया जाएगा, टेम्परेचर टी पे आपकी विस्कोसिटी होगी, ए टेम्परेचर पे होगी। ओके, अब बात करते हैं, देखिए एक अच्छा न्यूमेरिकल हो जाए, धमाकेदार न्यूमेरिकल। चलिए अब जब विस्कोसिटी पढ़ ही लिया है तो विस्कोसिटी पे एक न्यूमेरिकल कराए दे रहे हैं। ओके, विस्कोसिटी पे एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए, विस्कोसिटी पे एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए, धमाकेदार न्यूमेरिकल होने वाला, धमाकेदार न्यूमेरिकल होने वाला है, विस्कोसिटी पे न्यूमेरिकल एक धमाकेदार। चलिए आ गया धमाकेदार न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ये आपके क्वेश्चंस आपका बोर्ड में भी पूछ दिया जाता है, पूछा भी जाता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। ओके, बात करते हैं, आपको देखिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट गिवन बाय म्यू, आपका यू इज इक्वल टू 2/3 बाई माइनस बाई स्क्वायर। ओके, और आपको कैलकुलेट करना है, टाऊ कैलकुलेट करना है, शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, एट बाई इक्वल टू 0 और सेकंड बाई इक्वल टू 0.15। और आपको डायनामिक विस्कोसिटी दी हुई है आप लिक्विड 8.63 पॉइज। ओके, और आपको बात क्या करनी है, देखिए पहले डायनामिक विस्कोसिटी म्यू से डिनोट होती है तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0. कितना भी होता है 10 नीचे आएगा तो आपका इतना हो जाएगा 0.63 न्यूटन इंटू सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं व्यू आपका यू की वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2/3 बाई माइनस बाई स्क्वायर। निकालिए वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे होगा, आप इसको इसका आकलन करना है बाई के सापेक्ष, डी ओपन डी बाई इज इक्वल टू 2/3 बाई का क्या हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2/। ओके, क्या हो जाएगा 2/, तो डी यू अपन डी बाई आपका निकल के आएगा 2/3 माइनस 2/। ओके, अब थोड़ी देखिए थोड़ी टेक्निकल बात करते हैं, टेक्निकल बात कर लीजिए। अब क्या होगा, पहले हमें डी यू अपान डी बाई 0 पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लीजिए डी यू अपान डी बाई बाई इज इक्वल टू 0 2/3 आ जाएगा और आपका क्या माइनस इंटू बाई क्या है बाई 0 हो जाएगा 2/3। कैलकुलेट कीजिए भाई साहब क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 0 यहाँ 12 हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और आपका कितना आ जाएगा 6 और फिर आपका कितना हो जाएगा 2 बचेगा आपका 6 हो जाएगा 6.7 लिख लीजिए। ओके, और आप नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं डी यू अपान डी वाई बाई इक्वल टू 0.15 पर। ओके, 2/3 माइनस 2 इंटू 0.315 तो क्या होगा 0.667 माइनस 15 दूनी 30 हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए तो वो कितना निकल के आएगा, ये जो आपका निकल के आएगा देखिए ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 0 तो जाए 0. ओके, तो इतनी तो बात हो गई। अब हमें टाऊ कैलकुलेट करना है, टाऊ बाई इक्वल टू 0 पर कितना होगा, देखिए क्या होता है म्यू, ओके सॉरी म्यू डी यू अपान डी वाई और ये बाई इक्वल टू 0 पे, बाई इक्वल टू 0 पे बात कर लेते हैं, म्यू कितना है 0.863। ओके, अब आपका देखिए क्या हो जाएगा और ये रख लीजिए कितना 0 पे 0.667। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन की, आप वैसे भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कैलसी अलाउ रहती है। ओके, तो क्या आ जाएगा 0.5756।
ओके। और इन यूनिट क्या आएगी, ये क्या है, फोर्स आपका है, प्रेशर फोर्स है, ओके, न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर, ओके। तो इसे नोट कर लीजिए। अब थोड़ा जो पार्ट बचा हुआ है वो इस साइड में बता दिए दे रहे हैं, देखिए कितना बचा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए मेरी बात पे, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, क्या बात होनी है, क्या बात होनी है। अब हमें क्या टाउ कैलकुलेट करना है, वाई इज इक्वल टू 0.15 पे क्या होगा, डी म्यू डी अपन डी वाई, ओके। अब ये y इज इक्वल टू 0.5 पे होगा, ओके। अब क्या करते हैं, रखिए इसकी वैल्यू रख दीजिए, अब क्या रखेंगे, देखिए 0.863 इंटू 0. कितना है, ये वाली वैल्यू रखनी है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, भटकना नहीं है प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स मेरे, मतलब भाइयों, और भटकना नहीं है। आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 31.69 ऐसे कुछ समथिंग आ जाएगा, आपके पास कैलसी होगा और कैलसी अलाउ होता है तो आप कैलकुलेटर कैलकुलेशन कर लेना, ओके ओके। तो अब बात करते हैं, एक प्यारा सा धमाकेदार न्यूमेरिकल तो हो गया, अब एक धमाकेदार बात और करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूड के बारे में, कितने टाइप्स ऑफ के फ्लूड होते हैं, देखिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। एक तो आपका क्वेश्चन भाई ये मान के चलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है टाइप्स ऑफ फ्लूड से रिलेटेड, ओके, बहुत मजा आने वाला है। अब बात करेंगे भैया फ्लूड, टाइप्स ऑफ फ्लूड, देखिए क्या होता है टाइप्स ऑफ फ्लूड, टाइप्स ऑफ फ्लूड, ओके, टाइप्स ऑफ फ्लूड, टाइप्स ऑफ फ्लूड, टाइप्स ऑफ फ्लूड कोई बताएगा, बताइए भाई, बताइए भाई, बताइए यार, बताइए, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे मजा आ रहा है। देखिए टाइप्स ऑफ फ्लूड क्या होते हैं, करेक्ट, पहला आपका होता है एक जो फ्लूड होता ही नहीं है लेकिन वो होता है, जो होता नहीं है लेकिन होता है यार, क्या होता है वो, आइडियल फ्लूड, आइडियल फ्लूड भाई होता नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा इसी के बारे में पढ़ेंगे, आइडियल फ्लूड। सेकेंड रियल फ्लूड, एक पढ़ेंगे आप, लिखते चलिए, हेडिंग डालते चलिए, एक लिखिए आप न्यूटोनियन फ्लूड, न्यूटोनियन फ्लूड, फिर लिखिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, और एक और लिखिए आइडियल प्लास्टिक, आइडियल प्लास्टिक फ्लूड। तो आपके 5 टाइप्स के फ्लूड होते हैं और इनके बारे में विस्तृत से एक एक लाइन बताई जाएगी जब अगला लेक्चर आएगा, फिर भी आपको एक आइडिया दे रहे हैं आइडियल फ्लूड क्या होगा। आइडियल फ्लूड के पास नो विस्कोसिटी, नो विस्कोसिटी, इनकम्प्रेसिबल, इसमें क्या होगा, विस्कोसिटी, हैविंग विस्कोसिटी, हैविंग विस्कोसिटी, एंड आपका कंप्रेसिबल भी होगा। आपका न्यूटोनियन फ्लूड क्या होगा, द फ्लूड, द रियल फ्लूड, द रियल फ्लूड विच ओबे द न्यूटन्स लॉ, और मतलब न्यूटन्स लॉ को मानता है भैया, जिसने उसने जैसा बोला है वैसा करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन्स फ्लूड, न्यूटोनियन फ्लूड, न्यूटोनियन फ्लूड, ओबे द न्यूटन्स लॉ, ओबे, ओबे मीन्स मतलब उसकी आज्ञा का पालन करता है, जो न्यूटन्स लॉ बोलता है भैया, उसने बोला, उसने क्या बोला था, टाउ इज इक्वल टू म्यू म्यू डी अपॉन डी वाई, भैया ऐसा होना चाहिए, तो वो क्या करता है, भैया तुमने जो बोला न्यूटन साहब, आपने जो बोला हम वो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, तो ये भाई आज्ञाकारी, जैसे आज्ञाकारी स्थिति होते हैं, जैसे फर्स्ट बेंचर, गुरु जी ने बोला कि बेटा ये करना है, ये असाइनमेंट बना के लाना है, तो जो कुछ न्यूटोनियन टाइप के फ्लूड्स मतलब स्टूडेंट्स होते हैं कि गुरु जी ने बोला है तो बना के लाएंगे भैया, और कुछ क्या आप नॉन न्यूटोनियन की बात करेंगे, देखिए बहुत मजा आने वाला, तो ओबे करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूड भाई, जो मतलब न्यूटन साहब ने बोला, ये बोला टाउ इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई, तो ये क्या करते हैं भाई साहब, यार हमें नहीं मतलब, हम ठहरे सुस्ती वाले यार इंसान, हम नहीं मानेंगे ये बात, हमें नहीं, तो जो ओबे नहीं करते हैं मतलब न्यूटन्स लॉ को नहीं मानते हैं, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड होते हैं। जैसे गुरु जी ने बोला असाइनमेंट बना के लाना है, लेकिन कुछ सुस्त टाइप के इंसान है, जैसे हम भी कभी होते थे, गुरु जी ने बोला कि असाइनमेंट बना के लाइए, लेकिन क्या यार बना लेंगे, अब कॉलेज का टाइम आ गया, क्लास की सर बनाया ही नहीं, तो उस टाइप के क्या हो गए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। अब आइडियल प्लास्टिक फ्लूड, यहां पर एक आपकी जो
रेंज होती है शियर स्ट्रेस की, वो एक यील्ड लिमिट के बाद एक लिमिट होती है। जैसे एक ग्राफ बनेगा, एक ये शियर स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस होगा, एक एक तरफ से स्ट्रेन रेट होगी, तो कुछ टाइम तक रेट होगी, कुछ टाइम तक आपका यील्ड के बाद होगा, फिर यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। तो इस टाइप के जो फ्लूइड होंगे वो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होंगे। तो इनके बारे में जो मैंने आपको सिंपली यहाँ पर समझा दिया है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक ग्राफ आएगा, ग्राफ भी आपके जो बोर्ड में है पूछ दिया जाता है, पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उठा के देखिएगा। तो फ्लूइड टाइप्स मैंने बता दिए, एक ओवरव्यू दे दिया कि नॉन न्यूटेनियन, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है वो इन्हीं के बारे में होगा, देन मूव करेंगे एक न्यूमेरिकल बिंदास तरीके से, और फिर जो इसमें जो आपका बचा हुआ सिलेबस वो कवर किया जाएगा, देन हम मूव करेंगे प्रेशर मेजरमेंट में। आई होप आप लोगों को लेक्चर मज़ा आया होगा, और बिंदास तरीके से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो अपने डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये लेक्चर शेयर कीजिए, जैसे कि उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े किताबों के साथ। और जितना भी है आपको IOCL या BPCL HPCL की जो तैयारी करेंगे अप्रेंटिस के बारे में, वहाँ पर भी देखिए मैं आपको कोई एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे फ्लूइड की विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और गैस की विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हमें क्या ध्यान रहता है कि मतलब यार अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन गैस के केस में जस्ट अपोजिट होता है। वो क्या करती है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो भी इंक्रीज होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो